साथियों नमस्कार। आज की नई दुनिया में सकारात्मक खबर और इसे पढ़ने के बाद लगता है डेफिनेटली कि कुछ नया अच्छा होने वाला है। न्यूज पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। राज्य सेवा में 500 पद जुड़ने की उम्मीद, मिली हरी झंडी। इसके नीचे जो छोटी लाइन लिखी वो भी पॉजिटिव न्यूज है। रिजल्ट पर स्टे की खबरों के बीच पद बढ़वाने में जुटे अधिकारी, क्योंकि परिणाम पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है तो अधिकारी भी पद बढ़ाने में लगे हैं। आगे देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 2018 के नतीजों पर स्टे की खबर के बीच आयोग परीक्षा की में पदों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है। बुधवार को आयोग के अध्यक्ष व परीक्षा नियंत्रक समेत अधिकारी भोपाल पहुंचे। मतलब उम्मीद है साथियों कि एक दो दिन तीन दिन के अंदर संभवतः पदों के बारे में वृद्धि की घोषणा आ सकती है। आगे देखिए कितने पद हो सकते हैं इसके बारे में भी इसमें सूचना दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा 2018 के नतीजों पर स्टे की खबर के बीच आयोग भोपाल पहुंच गया है। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद पदों में बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल गई है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च स्तर पर चर्चा के बाद पदों में बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सेवा में 500 से ज्यादा पद बढ़ेंगे। और आगे देखिए आप, 1 मार्च को 10 पद और बढ़ाए दिए गए, ऐसे कर 234 पोस्ट हो गई थी। आगे होने वाली बढ़ोतरी से कुल पदों की संख्या 800 के पार जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ साथियों, जो लोग और विद्यार्थी हित में जो आयोग की जो आंसर शीट की गलती के कारण उनका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भी पुतला जलाया है और रिजल्ट में रोक की खबर से सभी खुश हैं। होलकर साइंस कॉलेज के सामने धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भी बुधवार शाम भवरका चौराहे पर पीएससी का पुतला जलाया। वे अब भी परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।